नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, वाराणसी के ज्ञान व्यापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से पांच वादी में से एक राकेश सिंह कल अपना केस वापस लेंगे। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि बाकी चार वादी अपने रुख पर कायम है और वो केस चलाएंगे। फिलहाल हिंदू पक्ष के वकील और अन्य पदाधिकारी बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। चार वादी जिन्होंने केस जारी रखने का फैसला लिया है उनमें सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक शामिल हैं। उधर राकेश सिंह के केस वापस लेने के निर्णय के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे के दौरान विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन वादी पक्ष की ओर से मौजूद नहीं थे। इसके बाद ही फूट की आशंका बढ़ गई थी, जिसके बाद अब राकेश सिंह अपने केस को वापस लेने जा रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की देखरेख में राजधानी लखनऊ में सुभाषपा का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस ट्रेनिंग कैंप में सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में बने गठबंधन के साथ ही लड़ा जाएगा। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और संजय चौहान के साथ गठबंधन बना रहेगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी एंट्री बीजेपी पार्टियों को लेकर लोकसभा में बड़ा गठबंधन बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव और उद्धव ठाकरे सबको एक साथ लाने का प्रयास होगा। सुभाषपा चीफ ने भी दावा किया है कि ममता बनर्जी ने गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे और लालू यादव से मुलाकात की है। वहीं इस दौरान सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो चुका है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जुट गई हैं। इस वक्त हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश जी, प्रशिक्षण शिविर, लेकिन मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा तीसरा कोई मोर्चा नहीं है। सही कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसके अलावा के लड़े में है। अभी तो आप कह रहे थे हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से भी ऊपर पार्टी है। भैया मेरे, कांग्रेस पार्टी 2 सीट जीती, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी 1 सीट जीती, हम तो 6 को जीते, तब उनसे ऊपर है कि नहीं है? हमने क्या गलत बोल दिया? अपनी पार्टी का आप इस वक्त जो कर रहे हैं सीवी चला रहे हैं, वो अपनी पार्टी का आप चला रहे हैं? अपनी पार्टी का तय हुआ है मोर्चे के सभी लोगों को कि अपनी अपनी पार्टी का संगठन हम लोग ठीक कर लें, क्योंकि 165 सीटें विधानसभा में हम 200 से लेकर 5000 वोट तक हारे हैं। हम उसी को ठीक कर लें तो एक अच्छा प्रदर्शन 2024 में हमारा होगा। उस हिसाब से हम अपना प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिए हैं। इस वक्त राजभर जी बनारस में इसमें बहुत गर्माहट दिखाई दे रही है और सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर। क्या आपको लगता है कि जो वहां पे सर्वेक्षण किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम तबका जो है वो उसका विरोध कर रहा है, क्या आपको लगता है कि सर्वेक्षण होना चाहिए? और क्योंकि कोर्ट में इसको लेकर 9 तारीख को इसको रिपोर्ट भी देना है, तो आपको क्या लग रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद की, क्या लगता है कि सियासत हो रहा है इस पे? देखिए, प्रदेश में महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए और लाइन ऑर्डर खराब है से ध्यान भटकाने के लिए हमेशा मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान हो रहा है। 7 लाख पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, क्या इस पे सरकार ध्यान ले आ रही है? प्रदेश में महंगाई चरम पे है, इस पे चर्चा हो रही है? नौजवान पढ़ा लिखा आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या सरकार रोजगार पैदा करने की बात कर रही है? आज प्रदेश में लाइन ऑर्डर खराब है, बहन बेटियां सुरक्षित है, रक्षक ही भक्षक बना है, क्या सरकार का ध्यान उधर है? क्या इनके बुलडोजर चंदौली थाने पर चला, जो घटना चंदौली की? क्या लखीमपुर थाने पर जहां बेटी के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, क्या वहां इनका बुलडोजर गया? जो गन्ना पेर रहा था उसी पर बुलडोजर, जो 50 साल से गरीब बसा हुआ उसी पर बुलडोजर, आप गरीबों को उजाड़ रहे हो, तबाह कर रहे हो।
डॉक्टर राजभर जी एक सवाल और है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में तमाम पार्टियां लामबंद हो रही हैं, चाहे राष्ट्रीय राजनीति में देखें तो चाहे ममता बनर्जी या राहुल गांधी हो या शरद पवार हो, ये तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं। लेकिन एक ये भी लगाया जा रहा था कि आजम खान नाराज चल रहे, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मुलाकात करने नहीं जाएंगे, लेकिन आप उस कवायद में जुटे हुए हैं, तो क्या आने वाले समय में शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर और आजम खान को हम एक मंच पर देख सकते हैं? अखिलेश यादव जी के मंच पे देख सकते हैं, शिवपाल यादव तो अखिलेश यादव के मंच पे नहीं आएंगे तो तय है, साहब रहेंगे भाई। देखो आप ही लोग सवाल किए थे कि चाचा भतीजा एक कर दो, हमने कहा हो ही जाएंगे। शिवपाल यादव ने, अब मेरी लड़ाई जो रहेगी नई पार्टी नई गठन, आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने से कोई परहेज नहीं करेंगे? तो वो भी तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही पार्टी बनी थी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही बोल करके आंदोलन खड़ा हुआ, फिर समाजवादी पार्टी में विलय हो गया, तो कौन नया काम कहाँ हो रहा है? 22 में विलय हो गया, 24 में विलय हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? लेकिन एक ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि अभी ललितपुर का घटना हुआ, उसमें अखिलेश यादव गए, उनके साथ तमाम लोग तो दिखे, लेकिन आप साथ में नजर नहीं आ रहे। भैया हम बलिया का रह वाला है, अब वहाँ से होना जाएगा बाबू जादवन, तो हम बलिया से आवे में हमें 5 घंटा लगता है, तो सभी लोगों को अधिकार है, कहीं अखिलेश जी चले जाएं, कहीं ओम प्रकाश राजभर चले जाएं, कहीं केशव जी मौर्या चले जाएं, कहीं जयंत चौधरी चले जाएं, क्या दिक्कत है, सबको जाना। मतलब आपको इतना भरोसा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो तमाम आपकी जो इस समय पार्टियां गठबंधन में, वो गठबंधन में पार्टियां रहेंगी? ऑल इज वेल, हमारे गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, और लोकसभा चुनाव में भी हम तमाम पार्टियां आपको एक मंच पर ही एक मुस्त नजर आने वाले हैं। कैमरा राजेश के साथ मजा सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। हरदोई में मंत्री सुरेश खन्ना ने मंत्री दानिश अजीज आजाद के साथ मिलकर जिला चिकित्सालय समेत कई जगहों का निरीक्षण किया है। मंत्री सुरेश खन्ना ने मंत्री दानिश अजीज आजाद और आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल के साथ में अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ विकास भवन सभागार में अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों से भी जानकारी हासिल की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और जनता तक ईमानदारी के साथ क्रियान्वित किया जाए। आज प्रातः काल से हमने कई स्थलीय निरीक्षण किए और उसके बाद इस समीक्षा बैठक में मैं आया। नगर में झाड़ू तो लगती है, लेकिन अभी नालियों की सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, और हमने कई स्थानों को इंगित भी किया है, कई को चिन्हित करके जिम्मेदारी भी सौंपी। साथ ही साथ एक विशेष अभियान चलाने की भी आवश्यकता है कि जो दो प्रकार का अतिक्रमण है, एक स्थायी और एक अस्थायी, अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए जिससे आवागमन सुचारू रूप से हो सके, और जहाँ पर नाली चौक हो रही, जहाँ किसी न किसी निर्माण की वजह से ड्रेनेज में क्लैरिटी नहीं है, वहाँ पर अगर कम से कम फोर्स इस्तेमाल करके मिनिमम नुकसान हो, इसका ध्यान रख के नालियों की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाली में पानी भरना, उसके बाद फिर वो पानी सड़क पर आता है, उससे तमाम तरीके की बीमारियों की आशंका भी बढ़ती है, संभावना भी, इसलिए इसकी विशेष रूप से चिंता करेंगे। आज हमने जल निगम के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों से भी इस बात के लिए आगाह किया है कि जहाँ जहाँ पर भी पाइपलाइन पड़ने के कारण रोड में खुदाई हो, सड़क टूटे, उसको प्रॉपरली रिस्टोर होना चाहिए, उसकी पूर्व स्थिति बहाल होना चाहिए, उसमें खाना पूरी नहीं होना चाहिए कि गिट्टी और मिट्टी भर दी और उसके बाद उसे छोड़ दिया। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज बुंदेलखंड दौरे के तहत महोबा पहुंचे हुए थे। उन्होंने विरमा भवन में डीएम और एसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करी। इस दौरान वो अंबे गेस्ट हाउस में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई हैं, और इस दौरान उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कई बेतुके बहाने भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के युद्ध से पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है, श्रीलंका के हालात देखें तो वहां की सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई। कारण होते हैं जिनके कारण
सरकार चाह करके भी यदि मैं पुरानी सरकार का हिसाब उठा के देखूं तब भी 900-1200 सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा था 1500-1500 में। दो देशों के बीच में जब युद्ध होता है उस समय उसे पूरा विश्व प्रभावित होता है। आप हमारे देश की बात छोड़िए, लंका देख लीजिए, लंका में क्या स्थिति हुई है, कंट्रोल नहीं कर पाई वहाँ की सरकार। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा सूझबूझ से काम लिया, हमने वैक्सीन लोगों को भारत में ही नहीं दिया, बाहर भी दिया। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं, बड़ी आजम खान की मुश्किलें, रामपुर से सीतापुर जेल भेजा गया है वारंट, आजम खान को अभी रक्षा में रखने का आदेश मिला है। रामपुर में एक और मामला दर्ज हुआ था, फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर स्कूल की मान्यता लेने का ये पूरा मामला है। आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, तो न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी गई है। रामपुर में एक और मामला दर्ज हुआ था, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से, क्योंकि जिस तरीके से आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और दूसरी तरफ ये मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, दूसरी तरफ सियासी पारा भी बढ़ रहा है आजम खान के नाम को लेकर। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से आजम खान पर आरोप लगते गए और मुकदमे लिखते गए, लगातार मुकदमों की लड़ी लग गई, उसके कारण की जो आजम खान को जेल जाना पड़ा, अभी भी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अभी जो ताजा मामला आया है, रामपुर में फर्जी सर्टिफिकेट के लगाकर स्कूल की मान्यता लेने का आरोप है, हालांकि मुकदमा 420 में लिखा गया है। अब जो रामपुर से एक जो यहाँ से जो लेटर गया है जो जेलर को सीतापुर की, अभी न्यायिक अभिरक्षा में ही उनको रखा जाए, यानी कहीं ना कहीं अब जो जो जेल की जो मुश्किलें हैं अभी तक जिस तरीके से लगातार उनकी कुछ मामलों में जमानत हो गई है, कुछ अभी भी पेंडिंग है, तो एक और एक मामला बड़ा आ गया है। क्योंकि जब 420 की जब धारा लगती है तो निश्चित तौर पे वो नॉन अवेलेबल होती है, ऐसे में कोर्ट ने अभिरक्षा में जो रखने का आदेश दिया है, ये जो लेटर है वो जो सीतापुर के जो जेलर हैं उन्होंने रिसीव किया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनके जो मुकदमा लिखे, करीब 3 दर्जन से ज्यादा जो मुकदमे हैं, लगातार उन पे सुनवाई चल रही है और वो कुछ जो मुकदमे हैं उनमें लगातार फंसते चले जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है एक आजम खान को लेकर के हालांकि राजनीतिक में भी उथल पुथल रहा है, कभी समाजवादी पार्टी में अभी नाराज हो गए थे, तमाम जो नेता हैं वो जेल में मनाने पहुंचे थे, अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भले ही आजम खान के साथ खड़े होने की बात कर रही है, सड़क पर प्रदर्शन करने की बात कर रही है, या अभी जिस तरीके से आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 2024 की लड़ाई में अखिलेश के साथ, शिवपाल के साथ सब लोग एक मंच पर होंगे, तो तमाम जो कयास लगा जा रहे थे अब देख रहे हुआ कि आजम खान की मुश्किलें कब कम होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। महोबा जिले के एक सरकारी स्कूल में छुआछूत का सनसनीखेज मामला सामने आया, इसके बाद हड़कंप मच गया। स्कूल की दलित छात्रा ने अध्यापकों के घड़े से पानी पी लिया तो अध्यापक ने छात्रा की जमकर पिटाई कर दी। तो वहीं इस पूरे मसले में पीड़ित छात्रा के परिजनों ने एसडीएम और सीओ से लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दलित छात्रा का पानी पीना हुआ दुश्वार, कब खत्म होगा छुआछूत का सामंतवाद? अध्यापक बना अत्याचारी, टीचर के घड़े से पानी पिया तो पड़ेंगे डंडे, जनता मांगे जवाब, सामंतवाद का कब होगा विनाश? देश आज 21वीं सदी में पहुंच चुका है, हर जगह समानता की बात की जाती है, मगर आज भी जाति बंधन और छुआछूत के मामले कम नहीं हो रहे हैं। बुंदेलखंड के अति पिछड़े जिले महोबा में छुआछूत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के छिकहरा गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पानी पीने के लिए 2 घड़े रखे रहते हैं। एक घड़े से छात्र पानी पीते हैं तो दूसरे घड़े से अध्यापक पानी पीते हैं, लेकिन स्कूल के समय छात्रों के घड़े का पानी खत्म हो जाने पर स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ने वाली दलित छात्रा मांडवी ने अध्यापकों वाले घड़े से पानी पी लिया। इसे देख अध्यापक जी से रहा न गया, अध्यापक कल्याण सिंह ने दलित छात्रा की जमकर पिटाई कर दी। मांडवी ने घर जाकर अपने माता पिता से आपबीती साझा की तो पिता रमेश कुमार और परिजन सीधे अध्यापक के घर पहुंच गए और पिटाई की उलाहना करने लगे।
तो अध्यापक ने छात्रा के परिजनों के साथ भी अभद्रता की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। पीड़ित दलित छात्रा और उसके पिता ने बताया कि विद्यालय में छुआछूत हावी है, स्कूल में छात्रों के बीच पक्षपात किया जाता है। कहते तुमने क्यों पिया, फिर हमने बोला हमने प्यास लगी थी इसलिए पिया, सुखे फिर दो तीन छापड़े मारी थी, बस पता नहीं छुआछूत ही है, हम बहुत नीची जाति के इसलिए हमें मारा। पैसे लाए हम इस वजह से कि हमारी बच्ची पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रही थी, तो घड़े में पानी पीने के लिए घड़े रखे हैं, तो उसमें से पानी लिया तो कल्याण सिंह अध्यापक है जो, उसने दो तीन हाथ मार दिए हैं। और हम अभी विवाद उसे पूछने गए कि किस कारण मारा है, तो दूसरे गांव का मुन्नी लाल का यादव का लड़का है जो सुगर सिंह यादव, उसने हमारे साथ हाथापाई की है। क्यों मना कर रहे थे बच्चों को छुआछूत की वजह से? वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि सरकारी स्कूल के इस मामले में छात्रा के पिता ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। एक छात्रा आई थी, कह रही थी कि हमारे एक मास्टर साहब हमारे घड़े में पानी पीने के लिए मना करते हैं, कि ये घड़े का पानी मत पियो, तो उसी की जांच के लिए भेज दिया हूँ एबीएसए को भी तुरंत। पूरे मामले की जांच करने पहुंचे बीएसए गौरव तिवारी ने बताया कि पीड़ित छात्रा सहित अन्य छात्रों से पूछताछ की जा रही है, वहीं आरोपी अध्यापक से भी पूछताछ कर बयान दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक हमारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय छिकाहरा है, यहाँ की एक शिकायत संज्ञान में आई है, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर हमारे एआरपी और इंस्पेक्टर साहब और हम लोग जाँच के लिए आए हैं। दोनों पक्षों का बयान लिया जा रहा है, जो भी अगर इसमें किसी भी प्रकार का जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव अगर होगा और संबंधित के विरुद्ध ऐसी जांच में शिकायत पाई जाती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुंदेलखंड में अभी भी सामंतवाद की जड़ें जमी हुई हैं और सवर्ण जातिवादी सोच भी ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। सरकारी स्कूल में सिर्फ घड़े से पानी पीने को लेकर उच्च जाति के अध्यापक ने दलित छात्रा की पिटाई कर दी, जो इसी सामंतवादी विचारधारा का ताजा उदाहरण है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। पिछले खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये सीट विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी थी। ऐसे में बीजेपी से सीएम पुष्कर सिंह धामी इस सीट पर पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो सोमवार यानी कि 9 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे से खाली हुई चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है।